गांधी मेमोरियल अस्पताल में 16 करोड़ 50 लाख का कायाकल्प, लेकिन बिन पानी सब सून। पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं मरीज एवं उनके परिजन, लोग खरीद कर पानी पीने को है मजबूर। आपको बता दें कि रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल की रौनक इस समय हालांकि दिखाई दे रही है, लेकिन मौजूदा समय में अस्पताल के कायाकल्प में 16 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वहां की मूलभूत समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में टाइल्स पुताई सहित विभिन्न कार्य कराए गए, लेकिन यहां एक गिलास पानी के लिए लोग चारों ओर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ये बात उजागर हो गई थी कि अस्पताल में कहीं भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए लोग पानी बाजार से खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। एक ओर करोड़ों रुपए अस्पताल के कायाकल्प के लिए खर्च किए गए हैं, तो दूसरी ओर एक छोटी सी समस्या के लिए जो कि आफत बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ मरीज तक को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पूरे गांधी मेमोरियल अस्पताल में मात्र गायनी वार्ड के पास एक नल लगा हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। हालांकि समस्या के बारे में जानकारी होने पर CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी का कहना है कि ये अस्पताल के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसे एक सप्ताह के अंदर दूर कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में मरीजों के परिजनों सहित CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है भैया? नहीं तो काम क्या है? मैं पानी के लिए है, नहीं जा रहा है। तो पानी के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कोई व्यवस्था है? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं दिख रही है ऐसा कुछ, मतलब जैसा दिख रहा है। नहीं मिला अभी, मैं तो इस साइड से उस साइड चला गया, अब इधर साइड जा रहा हूँ। इधर साइड देखते हैं कहाँ मिलता है पानी, नहीं तो नीचे मिलेगा फिर। हाँ सर, खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही RO का पानी, लेकिन अभी इधर साइड तो नहीं दिख रहे हैं। अभी घूम चुके आप? हाँ, अभी एक साइड उधर चला गया था नीचे साइड, अब इधर साइड देख रहा हूँ कहाँ है। किनको भर्ती कराए यहाँ पे? जी मेरी भाभी जी है। एक महीना से ज्यादा हो गए, नर्सरी में बच्ची है। यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, कहाँ से लाती है? पानी घर से लाते हैं, जिसका नेर है ना नीचे मिलता है। नीचे कहीं लाते हैं, ऊपर नहीं है कहीं पानी? ऊपर पानी पीने वाला नहीं है, वो नहा धोगा कहाँ है? कहाँ भरती हैं आप जी? बच्ची मेरी नर्सरी में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम साकेत। क्या व्यवस्था की जाएंगी आगे पानी के लिए? देखिए अभी विगत कुछ दिनों से ही गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी पिछले 3-4 दिन होली की छुट्टी थी, इस समय भी हमने संज्ञान लिया अपना आपस में कि ये बहुत तेज़ी से पानी की आवश्यकता बढ़ी है अस्पताल में। हमारे यहाँ अपने द्वारा जो व्यवस्था की गई थी पानी की, वो तो चल रही है, पर हमने जब परीक्षण किया तो ये पाया कि कुछ जगहों पर जो उनका सिस्टम है कूलिंग का, वो गड़बड़ है। तो जो संबंधित एजेंसी है उससे बात हुई है, जो हमारे यहाँ अनुबंधित एजेंसी है उसके ही कार्यकाल को भी हमने अधिकारियों से आज बात की तो पता लगा बढ़ाया गया है, और उससे मैंने आज बात करके उनको आज बुलाया है। आज ही शाम से वो अपने जितने भी RO हमारे यहाँ लगे हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, उन सब को उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं सुबह के 7 दिन के अंदर अंदर सभी को चालू करें। तो मेरा उम्मीद है कि इस हफ्ते में, ये जो अभी आज से हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते से अंत तक ये हमारे जितने फ्लोर्स पे जितने हमारे RO सिस्टम लगे हुए हैं वो सभी कूलिंग के साथ चालू हो जाएंगे, ऐसी आशा है। जैसे यहाँ 16.5 करोड़ का कायाकल्प का काम हुआ, तो इसमें क्या ये पानी की चीज़ों में, पानी के लिए? नहीं नहीं, देखिए वो कायाकल्प के कामों में बहुत निर्धारित चीज़ें थी, वो जनरल चीज़ें नहीं थी उसमें कि हम जब चाहें तब परिवर्तित कर सकें। वो पहले से उसका जो डोजियर होता है वो पास होता है, उसी हिसाब से वो काम करते हैं, तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। वो निर्माण मूलभूत निर्माण कार्य उसमें थे कायाकल्प में, वो कर रहे हैं, वो करीब करीब फिनिशिंग में है। वो तो इन व्यवस्थाओं का हफ्ते भर के अंदर